जब भी हम बोलते हैं तो हमारी स्पीच में कई सारे वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि हम नाउन्स को यूज करते हैं अपनी स्पीच में, हम वर्ब्स को यूज करते हैं, एडवर्ब्स को यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं, इन सब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इस पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। बट आज हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच सिलेक्ट किया है अपने टॉपिक के लिए, उसका नाम है नाउन्स। नाउन्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स वर्ड्स ही होते हैं, नाउन्स शब्द ही होते हैं, नाउन्स वर्ड्स ही होते हैं, पर किसके? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, एनिमल, आइडिया एट्सेट्रा। नाउन्स किसको कहते हैं? वो वर्ड्स जो किसी एनिमल्स का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी चीज का नाम हो या किसी आइडिया का नाम हो, उसे हम कहते हैं कि नाउन। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है मार्कर। मार्कर क्या है? ये नाम है किसका? एक ऐसी चीज का जो लिखने में काम आती है। तो नाम क्या, तो मार्कर क्या है? एक चीज का नाम है। तो मार्कर वर्ड भी क्या है? एक नाउन है। जैसे कि ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड भी क्या है? एक चीज है। तो ब्लैकबोर्ड शब्द भी क्या है? नाउन ही है। इसके अलावा किसी प्लेस का नाम, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली भी क्या है? एक नाउन ही है। राम, राम क्या है? राम भी एक पर्सन का नाम है, एक बंदे का नाम है। तो राम भी क्या है? राम वर्ड क्या है? ये भी एक नाउन है। तो नेक्स्ट चीज हम जो आज देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की कौन कौन सी टाइप्स है? मैंने आज 10 तरह के नाउन्स है उन्हें डिस्कस किया। सबसे पहले हमारा जो नाउन का टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? रिफर्स टू पीपल, थिंग्स, प्लेसेस इन जनरल। जब हम लोगों के बारे में या थिंग्स के या चीज़ों के बारे में या प्लेसेस के बारे में इन जनरल बात करते हैं, यानी कि किसी खास प्लेस के बारे में बात नहीं की जा रही है, ना किसी पर्सन के, ना किसी खास पर्सन के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ बॉय, तो बॉय क्या है? एक शब्द है। बॉय क्या है? एक शब्द है जो कि कई सारे बॉयज के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अब बॉय कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी बॉय हो सकता है। तो बॉय क्या है? एक ऐसा एक टर्म है, एक वर्ड है जो इन जनरल यूज हो सकता है। ऐसे ही गर्ल, अब गर्ल कोई भी हो सकती है। अब बैट, बैट भी कोई भी हो सकता है इन जनरल। बुक भी कोई भी हो सकती है। तो ये सारे क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या है? रिफर्स टू पीपल, थिंग्स, प्लेसेस इन जनरल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? जैसे कि अब मैं कहूं राम, तो राम किसी खास पर्सन का नाम है। यह हमने क्या कहा था? बॉय। अब बॉय कोई भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप बैठा है, उसमें हमने कहा बॉय, तो उनमें से बॉय कोई भी हो सकता है। बट अगर मैंने कहा राम, तो राम किसी खास पर्सन का ही नाम है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का ही नाम है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन की एक और एग्जाम्पल है हमारे पास सी, समुद्र। अब सी कोई भी हो सकता है, बट अगर मैं कह रहा हूँ कि डेड सी, डेड सी, तो ये क्या है? एक खास तरह का सी है। अब सी क्या है? एक कॉमन नाउन है, बट डेड सी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि किसी खास समुंदर का नाम क्या है? डेड सी है। अब किसी खास सी का नाम क्या है? डेड सी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि डेड सी एक खास तरह का सी है जो हमारी पृथ्वी पर ही पाया जाता है, जहाँ पर इतना सारा साल्ट होता है कि वहाँ किसी इंसान का डूबना लगभग नामुमकिन ही है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर नाउन। रिफर्स टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल एट्सेट्रा। जब हम किसी सिंगल पर्सन, किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। जैसे कि डॉटर, डॉटर सिर्फ एक ही डॉटर के बारे में बात की जा रही है, तो डॉटर वर्ड क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। कार, कार भी क्या है? एक सिंगल कार के बारे में बात की जा रही है, तो कार भी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन। इसके अलावा मैन, वो भी एक सिंगुलर नाउन ही है। चौक, वो भी एक सिंगुलर नाउन ही है। नेक्स्ट प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन्स तो होता है एक, प्लूरल नाउन का मीनिंग क्या है? वो वर्ड्स जो कई सारे प्लेसेस, पर्संस एट्सेट्रा के बारे में बात करें। जैसे कि मैन, मैन, कई सारे मैन। कार्स, बहुत सारी कारें। हाउसेस, बहुत सारे घर।
तो ये हमारे पास क्या है, प्लूरल नाउन। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिसे हम अपने सेंसेस के साथ यानी कि पांच ज्ञान इंद्रियों के साथ उन्हें हम परसीव कर सकते हैं यानी कि उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे कि रोज़, अब हम रोज़ को टच कर सकते हैं, उसे स्मेल कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, तो रोज़ क्या है, कंक्रीट नाउन है। नेक्स्ट है हाउस, अब हम हाउस को किसी घर को भी देख सकते हैं तो ये भी क्या है, कंक्रीट नाउन है। पर्स, पर्स को भी हम देख ही सकते हैं तो वो क्या है, एक कंक्रीट नाउन है, पर्स को हम टच भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंक्रीट नाउन। इसके अलावा ये एक चौक भी एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि इसे मैं पकड़ सकता हूँ। बेंच, टेबल भी एक कंक्रीट नाउन की ही एग्जांपल है। इसके अलावा फ़ोन भी एक कंक्रीट नाउन ही है। इसके अलावा पेन, बैग्स, पर्सन, ये सारे कंक्रीट नाउन की ही एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो वाले वर्ड्स जो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे हम ये पाँच ज्ञान इंद्रियों के साथ ना एक्सपीरियंस कर सके। कांट बी परसीव्ड विद फाइव सेंसेस, जैसे कि एंगर, अब ये गुस्सा है, गुस्से को हम टच नहीं कर सकते, गुस्से को हम क्या है, टच नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते कि वो गुस्सा पड़ा है, गुस्सा हम देख नहीं सकते, हम गुस्से को टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या है, एंगर भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है लव, अब प्यार को भी हम टच नहीं कर सकते। इसके अलावा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक आइडिया है, लोकतंत्र, इसे हम टच करके नहीं देख सकते, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे हम देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, तो ये कि हमारे पास डेमोक्रेसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, अब वो वाले वर्ड्स जो कई सारे पीपल, प्लेसेस या चीज़ों के बारे में बात करें, अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ ग्रुप, जो किसी ग्रुप के बारे में बात करें, जैसे कि पेयर, अ पेयर ऑफ शूज, पेयर हमारे पास यहाँ क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, उनका स्वॉर्म, स्वॉर्म मतलब उनका ग्रुप, तो इसे हम क्या कहते हैं, अब स्वॉर्म में कई सारे मधुमक्खियाँ आ जाती है, अब पेयर में भी क्या है, दो चीज़ें आ जाती है, अ पेयर ऑफ बॉयज, अ पेयर ऑफ गर्ल्स, अ पेयर ऑफ शूज, तो पेयर हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स, कैन बी काउंटेड, अब वो वाले नाउन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि फुट, पैरों को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार, कार को भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कार है, हमारे पास दो कारें हैं, तीन कारें हैं, चार कारें हैं, हमारे पास इतने फोन्स हैं, हमारे पास इतनी किताबें हैं, वो हम, वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स। कैट को भी हम काउंट कर सकते हैं, डॉग्स को भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर, अब पानी को हम गिन नहीं सकते, पानी को हम गिन नहीं सकते कि मेरे पास एक पानी है या मेरे पास दो पानी है। मिल्क को भी हम गिन नहीं सकते, ऐसे ही हम नमक को भी गिन नहीं सकते, इसके अलावा टाइम को भी गिना नहीं जा सकता। नेक्स्ट है म्यूजिक को भी काउंट नहीं किया जा सकता, बट म्यूजिक पीसीज को काउंट कर सकते हैं, सॉन्ग्स को काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन, अब वो वाले नाउन्स जो दो या दो से ज़्यादा नाउन्स से मिलके बना हुआ, जैसे कि मेल बॉय, बुक स्टोर, अब बुक एक अलग नाउन है, स्टोर एक अलग वर्ड है, बुक एक अलग वर्ड है, स्टोर एक अलग वर्ड है, अब दोनों वर्ड्स को हमने जब मिला दिया तो ये हमारे पास एक वर्ड आ गया, अब उस एक वर्ड को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। अब दो वर्ड्स को मिला के जो बना है उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, यानी कि वो नाउन जो दो वर्ड्स को मिला के बना है। नेक्स्ट है स्नोफॉल, स्नो एक अलग वर्ड था, फॉल एक अलग वर्ड था, अब इसे इकट्ठा कर दिया तो एक वर्ड बन गया, यानी कि स्नोफॉल। अब ये बात हमने ध्यान देनी है कि कोई वर्ड ऐसे नहीं है कि वो कॉमन नाउन में आ रहा है और वो किसी और नाउन की एग्जांपल नहीं हो सकता, कोई एक वर्ड है वो दो या तीन या इससे भी ज़्यादा कैटेगरीज में आ सकता है। जैसे कि अब मैं बॉय को हूँ, बॉय को एक, बॉय एक कॉमन नाउन की एग्जांपल है, बट बॉय एक सिंगुलर नाउन में भी आ सकता है, बॉय क्या है, एक सिंगुलर नाउन भी है। इसके अलावा और देख लेते हैं, प्लूरल नाउन ये नहीं है, कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि बॉय को हम टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, काउंटेबल नाउन है क्योंकि बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, कंपाउंड नाउन भी नहीं है।
तो आज हमने किया नाउन्स एंड उसकी टाइप्स। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो से कोई वैल्यू मिली तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट।